वहाँ पहुँच कर दिखाती हूँ। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग जा रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है तो कहीं घूमने जा रहे हैं, तो चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ। देखिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग। जा रहे हैं आज, और बाबू आए बोलो। चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ लेकर चलती हूँ आज मैं। जहाँ तो कोई नई जगह नहीं रही हूँ, पर प्रोग्राम कुछ नया है वहाँ पर आज, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ में। और देखिए ब्रजेश भैया हैं और ये हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं, और बस हम लोग पहुँच रहती हूँ मैं आप लोगों को कि कहाँ जा रही हूँ। कुछ अच्छा ही प्रोग्राम है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और हैप्पी योगा डे। जहाँ पहुँचना था वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। ये कोई नई जगह नहीं दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, पहले भी यहाँ पर ला चुकी हूँ, आप लोग को दिखा चुकी हूँ ये जगह। बट यहाँ पर आज एक नया प्रोग्राम हो रहा था, नया मतलब पहली बार हो रहा था हमारे बांदा शहर में। हमारे बांदा शहर में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है अभी तक। आज योगा डे है, योगा डे पर प्रोग्राम थे, कई सारे हुए हैं शहर के अंदर प्रोग्राम, बट यहाँ पर मैं इन्वाइट थी, मेरी फ्रेंड्स के परफॉर्मेंस थी यहाँ पर, उसने मुझे इनवाइट किया था। और मेरी फ्रेंड्स योगा क्लास जाती है, मैं तो नहीं जाती हूँ, वो जाती है, तो उसके कई सारी परफॉर्मेंस होनी थी तो उसने मुझे इनवाइट किया था। और ऐसे परफॉर्मेंस मैं कैसे छोड़ सकती थी, क्योंकि मुझे योगा बहुत पसंद है, दिल से पसंद है। तो बस मैंने कहा कि चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स ये मैं जब वहाँ पहुँची तो प्रोग्राम चालू हो चुका था, और मैं मेरी फ्रेंड्स की कई परफॉर्मेंस निकल भी चुकी थी, लेकिन जब मैं पहुंची तो चल रही थी उसकी परफॉर्मेंस। तो चलिए देखिए आप लोग, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी वहां पर। तो दो दिन लेट जा रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बट मुझे अच्छा लग रहा था कि ये प्रोग्राम काफ़ी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेट है तो क्या हुआ, तो फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वॉच करिएगा। मेरी फ्रेंड्स ये परफॉर्मेंस चल रही है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी ये, मैं उसकी सेकंड परफॉर्मेंस है शायद, तो मैं उसी पर पहुंच गई थी और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। देखिए जो बीच में हैं ये बैठी हुई हैं जो, तो यही है मेरी फ्रेंड गायत्री गुप्ता नाम है इनका। एक एक सिंगल प्रोग्राम भी हुआ था इनका, वो दिखाऊँगी मैं आप लोगों को, वो मुझे बेस्ट लगा, आप लोग देखेंगे तो खुद बताएंगे। आदिदेव शंकरा पर किया था उन्होंने, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। आप लोग देखिए आगे, एंजॉय करिए।
परफॉर्मेंस चालू हो चुकी है इनकी, मेरी फ्रेंड गायत्री गुप्ता की, और आप लोग देखिए इनको और फिर बताइए क्या मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। वहाँ पे जितनी भी परफॉर्मेंस हुई थी सभी बहुत अच्छी थी, बट ये मुझे बेस्ट लगी, और मुझे भर नहीं लगी, वहाँ पर सभी लोग कह रहे थे कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। सिंगल परफॉर्मेंस हुई थी इनकी, इनकी वैसे भी जो भी परफॉर्मेंस हुई सभी अच्छी थी, बट ये बहुत अच्छी थी सिंगल परफॉर्मेंस जो इनकी हुई है, आदिदेव शंकरा पे किया है इन्होंने, और हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा था और इस वजह से ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। म्यूजिक तो मैं नहीं लगा सकती, उसमें नहीं कॉपी राइट आ जाएगा, फिर भी आप लोग देखें और देखे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं जो बोल रही हूँ वो सही है नहीं, आप लोगों को भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है या नहीं लगी है। चलिए वाच करिए आप लोग, फिर बताइए। परफॉर्मेंस है और इन छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, बहुत अच्छे अच्छे पिरामिड बनाए थे, बट मैंने पूरी परफॉर्मेंस नहीं डाली है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था। और लास्ट में देखिए राष्ट्रीय ध्वज के फहराया गया और राष्ट्रीय गान के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। फिर इसके बाद हम लोग मंदिर गए थे, मंगलवार था ना तो मंदिर जाना था, तो मंगलवार को मैं जाती हूँ ना मंदिर, आप लोगों को बताया ही है मैंने पहले भी, तो चलिए पूजा कर लेती हूँ फिर घर पर मिलती हूँ आप लोगों को मैं। बाबू काट नहीं पा रहे दांत से। हाँ काट दिया। कर लिया? थोड़ा सा योगा दिवस था तो वहाँ पर गए थे और मैं अब घर आ चुकी हूँ। मैं तो नहीं योगा क्लास जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, योगा बहुत पसंद है, आप लोग मैं पहले भी दिखा चुकी थी मैं योगा करती हूँ, बट मैं योगा क्लास नहीं जाती हूँ, मेरी फ्रेंड जाती है तो उसने मुझे इनवाइट किया हुआ था तो मैं गई थी और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि कितने बढ़िया प्रोग्राम हुए हैं वहाँ पर। और बस अब घर आ चुके थे, नहीं वहाँ से आए थे तो पहले मंदिर गए थे हम लोग और मंदिर से घर आ चुके हैं। और पार्वती नहीं गई थी तो उसने खाना बना लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने आकर, लेकिन हाँ संध्या नहीं हुई थी तो मैंने संध्या की है और लेट हो गया था, बट दिया भर जला के रख दिया है, फिर आरती वारती नहीं गई है, लेट हो जाए तो कहते हैं घंटी नहीं बजानी चाहिए मंदिर में, भगवान आराम करते हैं, मैंने दिया भर जला के रख दिया है। और बस अब कपड़े बदलने जा रही थी तो मैंने कहा पहले वीडियो को एंड कर लेती हूँ इन्हीं कपड़ों में, उसके बाद मैं अक्सर डाल लेती हूँ ना, फिर रात को अच्छा लगता है थोड़ा हल्का हल्का कपड़ा पहन के, तो बस इसलिए कपड़े बदलने जा रही थी, मैंने कहा पहले वीडियो को एंड कर लेते हैं। और फ्रेंड पीछे से आवाज़ आ रही होगी डीजे का, प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि रोड के किनारे है मेरा घर तो इसलिए आवाज़ें आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अच्छा लगेगा क्योंकि काफ़ी अच्छा है, योगा तो सबको पसंद आता है मुझे लगता है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जो भी व्यूअर्स नए देख रहे हैं तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में और कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगता है, कैसे लगते हैं आप लोगों को, और मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ मुझे वहाँ पर ही फॉलो करिए आप लोग, और गुड नाइट बाय।